काय मग कशी वाटली जागा? मस्त जागा, जबरदस्त आहे. वैसे तो मैं लेखक नहीं, पर कलम उठाते ही बहुत कुछ लिख देता हूँ. जो कुछ है दिल में उसे कोरे कागज़ पर लिखता हूँ. देखते हैं इस व्लॉग के तहत आपको हाले दिल बयां कर पाता हूँ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो निकल पड़े हैं हम हमारे नीलू पे, मचाने वाले फुल. संडे है तो राइड प्लान किया है, बट क्या करें गाइस, जो ये है ना मौसम है ना वो नहीं साथ दे रहा. एकदम इतनी धूप पड़ रही है ना कि क्या बताऊँ आपको, ज़बरदस्त वाली धूप पड़ रही है जैसे आप देख सकते हो. तो घर से कुछ हम राइड करके आ गए 20-25 किलोमीटर. जाने का प्लान है कर्नाड़ा बर्ड सेंचुरी. तो देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं. 20-25 किलोमीटर तो चला लिया है, ठीक है. एन्जॉयमेंट ऐसा नहीं बोल सकते, पर ठीक है, सेटिस्फाइंग लग रहा है. एक डे ऑफ पे कहीं राइड पे जा रहे हैं, और बने रहना, आते हुए अपने शॉट्स देखे रहेंगे, मज़ेदार रहना. देखते कर्नाला बर्ड सेंचुरी चालू है कि नहीं, वो भी मेरे को फ्रेंकली पता नहीं है. जो भी है वहाँ जाके पता चलेगा. गाइस कर्नाला बर्ड सेंचुरी हम पहुँचे तो, बट वो बंद हो चुका था. उसका टाइम कुछ 7-3 PM का है. लाइक हम लोग ने रिसर्च करके नहीं निकले थे, थोड़ा लेट निकले थे, मूड ऑफ हो गया था. बट जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ कारण जाड़े हिल पॉइंट, सनसेट पॉइंट वगैरह है ये. तो पता नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर रुके, देखते कैसा है क्या नहीं करके. वो कहता है ना कभी कभी जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, शायद देखते यहाँ पर कुछ अच्छा मिले तो. लेकिन राइड कर रहे में तो मतलब मज़ा आया, ठीक है. 50-60 किलोमीटर्स राइड किया. तब तक आप थोड़ा देख लो यहाँ की सीनरी, मस्त सिनेमैटिक शॉट्स.
इन खूबसूरत नज़ारों को देख के दिल एकदम खुश सा हो रहा है। फिर सोचता हूँ कि क्या मैं इसे कैमरे में कैद करके आपको सही से पहुँचा रहा हूँ। जबरदस्त है गाइस, लोग देखो वहाँ टॉप पर चढ़ रहे हैं पूरा सही। आई डोंट नो मेरे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। चलो थोड़ा कांदा वजह एंजॉय किया जाए ये व्यू के साथ, मतलब दिन बन गया है। काय मग कशी वाटली जागा? मस्त जागा, जबरदस्त है। आपको और व्यूज दिखाऊ क्या? देखो जरा, ये पोज जबरदस्त ना, ऐसे मस्त मस्त इस पोज पे मैंने, ये पोज नहीं मतलब बहुत सारे पोज देके इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड किए, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। अभी थोड़ा ठीक से बताते हैं। और वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम यहाँ पर आए थे करनाला बर्ड सेंचुरी जाने के लिए, लेकिन अभी कहाँ पर है करंजाड क्या, दोनों भी के से नाम क्या होता थे। तो गाइस बहुत एंजॉय किया, अब निकलने का वक्त आ गया है। हम लोग कुछ लाइक करनाला बर्ड सेंचुरी हमारे घर से 54 किलोमीटर्स था, यहाँ से कुछ होगा लाइक 40-45 किलोमीटर्स और टू ड्राइव। तो चलते हैं वहाँ पर और मिलते सीधा घर चल के, या बीच में कुछ मिला अच्छा दिखाने लायक तो दिखा देंगे। चलो फिर उठा दे अपना हेलमेट, लेट्स गो नाउ। तो गाइस सेफ एंड साउंडली घर पे तो पहुंच चुके हैं। ट्रिप मस्त थी, क्या सोचा था क्या हुआ आपने भी देख लिया। बस क्लाइमेट यानी वेदर थोड़ा सा गर्म था बॉस, मतलब मॉनसून राइड थी, मतलब फिर भी गर्मी में थोड़ी लग गए, बट फिर भी एंजॉय किया। कोई नहीं यार, हफ्ते में एक दिन तो जाते हैं, एंजॉय करके आ गए। आई होप आपको भी आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे हो नए तो करो सब्सक्राइब। चेहरे को पहली बार देख रहे हो आप तो हम अपने चैनल पे टेक वीडियोस और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस डालते, कभी कभी ट्रैवल व्लॉग्स भी डालते। तो अगर पसंद आया आपको, ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। टिल देन दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। ये थी आज की कहानी हमारी ज़ुबानी, यादों की तिजोरी में इसे कैद करके रखूँगा और फिर एक कोरे कागज़ पर नई कहानी लिखूंगा।